हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फिल्मी फैन फिक्शन। और आज मैं हमारी न्यू FF का लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था 3 दिन के अंदर ही हमारे वेंजू की शादी होगी। हमारा लावेन बिल्कुल भी खुश नहीं था, एक्साइटेड नहीं था, और दूसरी ओर जाज इशू तो शादी रोकने के ही बारे में सोच रहा था। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुका था, हमारे जाओ के पेरेंट्स भी आ चुके थे, लेकिन हमारा जाओ बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था, वो चुपचाप बैठा हुआ था। हमारी गुशियांग कहती है, क्या हुआ गगा, आप अपनी शादी में खुश नहीं हो? जाओ कहता है, बिल्कुल भी नहीं। और अब हमारा लावेन नीचे आता है। सब लोगों को इतनी खुशी में तैयारियां करते देखकर वो एक सैड सा स्माइल करता है और सबको जोर से आवाज देकर कहता है, मॉम। सब लोग लावेन की तरफ देखने लगते हैं। लावेन कहता है, मुझे शादी नहीं करनी, ये शादी कैंसल। सब लोग तो शॉक्ड होकर लावेन की तरफ ही देख रहे थे। लावेन की मॉम गुस्से में कहती है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? लावेन अब चिल्लाकर कहता है, जो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता, मैं उससे शादी क्यों करूं? और शादी कर भी लिया तो क्या वो मेरे साथ खुश रहेगा? मैं हमेशा ही चाहता हूं कि वो मेरे साथ खुश रहे, मेरा जाओ मेरे साथ खुश रहे, मैं यही चाहता हूं, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं। और जो आप लोग कर रहे हो वो ज़बरदस्ती है। लावेन गुस्से में घर से ही निकल गया था और जाओ भी उसकी बातें सुन रहा था। जाओ को बहुत अजीब लगता है। अब तक तो वो खुद ही चाहता था कि ये शादी टूट जाए, लेकिन अब जब सच में शादी टूट चुका है तो उसे खाली खाली सा लग रहा है, बहुत अजीब सा। जाओ की मदर कहती है, अब खुश होना तुम जाओ, देखो वो बेचारा, देखो उस बेचारे का दिल टूट गया, अब तो तुम बहुत खुश होगे, टूट गई ये शादी। सारी तैयारियां रोक दो और जो कुछ भी हो चुका है सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दो। जाओ की मदर गुस्से में रोते हुए अपने कमरे में चली गई और जाओ के फादर तो व्हीलचेयर में थे। लावेन की मदर उनकी मदद करती है कमरे में पहुंचने तक, और लावेन के फादर जाओ के पास आते हैं। जाओ के आंखों में आंसू आ रहा था, पर क्यों उसे नहीं पता। जाओ कहता है, अंकल क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? लावेन के फादर कहते हैं, नहीं बेटा तुमने कुछ गलत नहीं किया, अपनी खुशी के बारे में सोचना गलत नहीं, पर तुम्हें इस सब की खुशी के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए ना। फिर तुम चिंता मत करो, मेरा लावेन ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ कोई भी ज़बरदस्ती करे, चाहे वो खुद मर ही क्यों ना जाए, पर तुम्हारी खुशी के आरे कभी नहीं आएगा। पता है बचपन से ही वो हर बार सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता है, तुम्हारे बारे में सोचकर उसने कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाया। पता नहीं क्यों तुम दोनों तो सिर्फ बचपन में मिले थे, तब से ही लावेन तुम्हारे लिए बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो गया था, उसे तुम्हारे सिवाय और कुछ समझ में नहीं आता। और जैसा कि तुम्हें पता है, तुम्हारी आंटी ने तो बचपन से ही उसका ब्रेन वॉश कर रखा है कि तुम उसके वाइफ बनोगी, शायद इसलिए उसका पागलपन इतना ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन चाहे कितना भी पागलपन हो, वो कभी भी तुम्हें कोई मुसीबत में नहीं डालेगा। देखा ना, तुम्हारे लिए कितनी आसानी से अपनी खुशियाँ बर्बाद करके चला गया। लावेन के फादर एक सैड सा स्माइल करते हैं और जाओ के सर पे हाथ रखते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। जाओ कुछ सोच रहा था, क्या लावेन सच में मुझसे इतना प्यार करता है? पर क्यों, हम दोनों तो कभी ठीक से मिले भी नहीं, फ़ोन पर भी कभी कभी ही बात होती थी, तब भी मैं उस पर गुस्सा ही करता था सिर्फ, फिर भी वो मुझसे इतना प्यार क्यों करता है? क्या ये सिर्फ सबकी बातों का असर है? लेकिन मेरी मॉम भी मुझे इसी तरह बोलती रहती थी, मैंने तो कभी अपना ब्रेन वॉश होने दिया नहीं, पर उसने क्यों दिया? वो भी तो मेरी तरह अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता था, गर्लफ्रेंड्स बना सकता था, पर उसने कुछ नहीं किया ऐसा, आखिर क्यों? अब हमारा जाओ अपना फ़ोन उठाता है और लावेन को कॉल करता है, लेकिन लावेन का फ़ोन उसी के कमरे में था, वहीं से रिंग आ रही थी। फिर हमारा जाओ बाहर निकल आता है, वो लावेन को ढूंढने लगता है और उसे आखिरकार लावेन एक गार्डन में मिल ही गया। लावेन एक बेंच पर बैठा हुआ था। जाओ उसके पास आता है और कहता है, तुम मुझसे प्यार आखिर क्यों करते हो? लावेन कहता है, पता नहीं।
और फिर हमारा जाओ एक अजीब सा स्माइल करके कहता है, तुम्हारे कमरे में मेरी इतनी सारी तस्वीरें क्यों हैं और तुम्हें ये सब मिला कहाँ से। लावन अब एक स्माइल करके कहता है, आपकी मॉम ने दिया। मम्मा ने? मेरी मम्मा भी ना और तुम्हारी मम्मा भी, ये दोनों ही पागल है। फिर हमारा लावन कहता है, शायद मैं भी उन दोनों पे गया हूँ इसलिए मैं भी इतना पागल हूँ, पर यकीन करिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं आपको बहुत खुश रखूँगा अगर आप चाहो तो। आपकी मर्जी के खिलाफ तो मैं कुछ नहीं करूँगा, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। अब साव कुछ नहीं कह पाता, वो लावन की आंखों की तरफ ही देख रहा था। लावन की आंखों में आंसू छलक रहा था। अब साव और कुछ नहीं सोचता और जल्दी से लावन को किस कर लेता है। वहाँ काफ़ी सारे लोग उन दोनों को देख रहे थे। जब जाओ उसे किस कर रहा था तब लावन का दिमाग एक पल के लिए तो रुक ही गया था और फिर वह रिस्पॉन्स करने लगा। काफ़ी लॉन्ग किस के बाद हमारा जाओ वैन से अलग होता है, पर वैन अलग नहीं होना चाहता था। वो अभी भी जाओ के लिप्स को किस ही कर रहा था, सक कर रहा था। और फिर दोनों अलग होते हैं और गहरी गहरी सांसें लेते हुए जाओ कहता है, लगता है तुम मुझे अपना वाइफ ही बनाओगे। चलो कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हारे घर पे नहीं रहूँगा और सबको तुम्हें बताना होगा कि तुम वाइफ हो, मैं नहीं। लावन पूछता है, क्या ये शादी की शर्त है? जाओ स्माइल करके कहता है, हाँ। तो मुझे फिर से समझने दो, आखिर क्या है? जाओ फिर से एक स्माइल करके कहता है, क्या मतलब क्या? तुमने मुझे अपना वाइफ बना लिया है पर तुम ये सबको नहीं बता सकते, आखिर मेरे इज्जत का सवाल है। मैं वाइफ बन गया तो मेरे इतने सारे जो गर्लफ्रेंड्स थे वो लोग क्या समझेंगे? तो आप चाहते हैं कि मैं सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करूँ कि मैं आपका वाइफ हूँ और मैं आपके साथ लंदन जाऊँ? हाँ। तो मेरी भी एक शर्त है। क्या? मेरे मॉम डैड और मेरी सिस्टर भी साथ जाएंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पर उन सबको भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारा वाइफ हूँ। ये कहते हुए जाओ ब्लश कर रहा था। लावन भी थोड़ा ब्लश करते हुए स्माइल करता है और कहता है, और अब दोनों हाथों में हाथ डाले अपने फर्स्ट डेट को एंजॉय कर रहे थे और फिर ढेर सारे तोहफे लेकर वो लोग घर गए और सबको सरप्राइज दिया कि सच में 3 दिन बाद शादी हो रही है। और इस बात से सबसे ज़्यादा खुश तो हमारी जाओ की मॉम थी। वो खुशी के मारे दोनों को गले लगा लेती है और कहती है, मेरा सपना पूरा हो गया, आखिर मेरे गधे को अक्ल आ ही गई। और फिर लावन सबको बताता है कि शादी के बाद वो सब लोग एक साथ लंदन जाएंगे। ये सुनकर लावन की मॉम थोड़ा सा अपसेट हो गई थी क्योंकि वो चाहती थी कि जाओ उनके साथ इस घर में रहे। पर कोई बात नहीं, बच्चों की खुशी के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऊपर से सब लोग साथ रहने का मौका भी मिल जाएगा। तो अब फिर से धूमधाम से शादी की तैयारियाँ हो गई और 3 दिन बाद लावन को पहले बर्थडे विश करते हैं, केक काटते हैं और फिर दोनों की वेडिंग। और वेडिंग नाइट पे मैं ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं कहूँगी क्योंकि ये मैच्योर कंटेंट नहीं है। वेडिंग नाइट पे टॉप हमारा लावन ही था, पर सबके सामने दोनों ने ऐसा प्रिटेंड किया कि टॉप जाओ है। पर इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे वेंजल साथ रहे तभी सब लोग खुश है ना। और अब तक हमारा जाओ अपने दोस्तों के सामने बेइज्जत होने से ही डर रहा था, इसलिए वो किसी बॉय से शादी नहीं करना चाहता था। और अब जबकि लावन इस बात से मान गया है कि वो बॉटम होने का प्रिटेंड करेगा, तो जाओ की नाक भी बज गई। और हमारे लावन को जाओ के अलावा और किसी बात की परवाह नहीं, चाहे इज्जत नीलाम ही क्यों ना हो जाए, उसे सिर्फ उसके जाओ की ही परवाह है। तो ये था हमारे इस क्यूट से FF का हैप्पी एंडिंग। और मैं आपको पहले ही बता दूं, दोनों पूरी जिंदगी इसी तरह एक दूसरे को समझते हुए एक साथ ही रहे। मीठी नोकझोंक तो होती रही पर इन दोनों ने कभी भी एक दूसरे को बुली नहीं किया और साथ नहीं छोड़ा, हमेशा प्यार से साथ रहे। तो माय क्यूटीज, प्लीज बताओ आप सबको ये FF कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर ही देना, ओके? और बुरा लगा हो तो सॉरी।
तो फाइनली बाय क्यूटीज, बाय बाय बाय, मिलते हैं एक न्यू और क्यूट वेंजो एफएफ के साथ। ओके बाय।